नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं आपके साथ शिवानी पांडे। देश की राजधानी दिल्ली हिंसा की आग में झुलस रही है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शुरू हुई हिंसा ने दिल्ली में विकराल रूप धारण कर लिया है। इस हिंसा में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को हिंसा रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद डोभाल एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में डीसीपी ऑफिस पहुंचे। अजीत डोभाल ने आज सीलमपुर इलाके में डीसीपी ऑफिस जाने के बाद फिर हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आज डोभाल ने मौजपुर, जाफराबाद, गोंडा का दौरा किया। वहीं इससे पहले भी जाफराबाद, सीलमपुर समेत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों का डोभाल दौरा कर चुके हैं। वहीं आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लोग संतुष्ट हैं, मुझे कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भरोसा है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो लगातार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हिंसा भड़क रही है। अब देखना यह होगा कि ये हिंसा कब तक शांत हो पाती है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।